साइम, ये प्रोजेक्ट की फाइल में साइन करके दे रहा हूँ, तुम इसे इकराम सर को दे देना, ठीक है? ठीक है। कैसी आवाजें? जल्दी जाओ देखो। ओके सर। कौन है? ये बॉस ड्रैगन और टाइगर। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहे हैं? ले, मेरा इसका मुंह बंद कराओ। टाइगर, तुम भी बैठ जाओ। अभी बताते हैं। तुम मुझे नहीं जानते मेरा साहब, लेकिन इस मुलाकात के बाद तुम अच्छी तरह जान जाओगे। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है ड्रैगन। ड्रैगन, बैठ जाओ। तू मेरा ड्रैगन का नाम सुनते ही तुम्हारी ये बात कर गई। तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छे या बुरे से ड्रैगन को कोई मतलब नहीं है। फाइल पूछ दो। मुझे तो अंदर रहने के लिए रहने। तुम्हें देख लूंगा मैं। अच्छा, तो फाइल रेडी है मेरा? अच्छे बच्चों की तरह ये प्रोजेक्ट तुम्हारे वाले कर दो, जब साइन कर दो। हरगिज नहीं, ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरा, हमें पता था तुम्हारे अंदर ईमानदारी का कीड़ा खत्म नहीं होगा, इसलिए हमने इसका इंतजाम किया हुआ है। ये लो, जरा अपने बेटे से बात करो। बेटा, हेलो हेलो बेटा, हेलो कमीनो, मेरा बेटा किधर है? जिंदा भी है और महफूज भी है, इसीलिए तुम ये प्रोजेक्ट हमारे हवाले कर दो और इस पर साइन कर दो, वरना। ड्रैगन, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मुल्क के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो। मुझे देशभक्ति न सिखाओ मेरा, जल्दी से इस पर साइन कर दो। ज्यादा सोचो मत मेरा, वरना मेरे एक इशारे पर तुम्हारा बेटा जान से जा सकते है। तुम लोग बड़े कमीने हो, जल्दी करो, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, देख लेना। ये हुई ना बात, अब टाइगर चले। एक मिनट, मेरा बच्चा कब वापस करोगे? जल्दी वापस आ जाएगा, अब अच्छे बच्चों की तरह आराम करो। और एक बात कान खोल के सुनो, सीआईडी को इत्तला दी, तुम्हारे बच्चे की लाश ही तुम्हारे तक पहुंचेगी। आओ टाइगर चले। सैफ को बताता हूँ। हेलो सैफ। क्या बात है सैफ, तुम मुझे अर्जेंट मिल सकते हो? क्यों, खैरियत तो है? वहीं मिलकर बताता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ? मैं वॉलीबॉल ग्राउंड के पास हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। अच्छा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी और को इस बात की कानों कान खबर ना हो। अच्छा ठीक है, जल्दी पहुँचो। ठीक है, मैं एक मिनट में आया। हाँ अब बताओ मेरा, क्यों बुलाया? इतनी भी क्या इमरजेंसी थी यार? सैफ, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो, तुम्हें पता है मेरा करियर कितना बेदाग है, लेकिन आज मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह सरजद हो गया सैफ। कैसा गुनाह, जरा खुलकर बात करो। यार सैफ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट की अहम तरीन फाइल है, आज मैंने वो प्रोजेक्ट किसी ईमानदार कंट्रेक्टर को देना था, लेकिन आज सुबह चंद लोग ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में घुसे, उन्होंने कत्लो गारत की और ज़बरदस्ती मुझसे उस फाइल पर साइन ले लिए और वो प्रोजेक्ट अपने नाम करवा दिया। वाह वाह वाह, तुम छोटे बच्चे हो, उन्होंने कहा और तुमने साइन कर दिया। यार सैफ, तुम्हें तो पता है मैं हरगिज ऐसा नहीं करता, लेकिन मेरा इकलौता बेटा उनके कब्जे में है और उन्होंने कहा अगर तुमने इस फाइल पर साइन ना किए तो मेरे बेटे को भी मार देंगे। वाह, बच्चा अहम था या मुल्क अहम था? तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट गद्दारों के हवाले कर दिया। मुझे माफ़ कर दो सैफ, बस मैं अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो गया था, लेकिन प्लीज़ तुम से रिक्वेस्ट है मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं अभी अपनी टीम को कॉल करता हूँ और उन्हें यही बुला लेता हूँ। नहीं सैफ, नहीं, ऐसा नहीं करना। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने सीआईडी को इत्तला की तो मेरे बच्चे को मार देंगे सैफ। अच्छा तो ये बात है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बच्चा भी सही सलामत वापस आ जाएगा और वो फाइल भी मैं ले आऊँगा। शुक्रिया सैफ, मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी मशकूर रहूँगा, अगर तुम वो फाइल ही वापस ले आओ ना तो मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, अब इस मिशन पे मैं सीक्रेटली काम करूँगा, अब तुम जाओ। शुक्रिया सर। ठीक है, परेशान रखना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अंकल, मुझे घर जाना है। बेटा, अगर तुम्हारे बाप ने कोई गड़बड़ नहीं की तो तुम्हें जल्द ही घर में भेजा जाएगा, वरना तुम्हारी कब्रिस्तान बनेगी। मुझे घर जाना है।
क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं। उमर एक बात तो बताओ, तुमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम किया है, क्या तुम किसी ड्रैगन नामी शख्स को जानते हो? क्या सर ड्रैगन, आपको उससे क्या काम पड़ गया? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सर मैं जब पीएम ऑफिस में सिक्योरिटी इंचार्ज था तो एक बार मेरी उससे मुलाकात हुई थी। बहुत ही घटिया और मकार आदमी है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। अच्छा तो ये बात है। क्यों सर, आपने ये नाम कहाँ से सुन लिया? तुमसे एक बात शेयर करता हूँ। क्या तुम तैयार हो? सर मैं तैयार हूँ। चलो फिर चलें। टाइगर कल तुम ये फाइल लेके जाना मिनिस्टर साहब के पास, उनका साइन लेके आ जाना, मेरी उनसे बात हो चुकी है। ओके ड्रैगन। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। खा 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 खा। ठीक है ठीक है। हेलो, क्या? अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। किसकी कॉल थी टाइगर? ड्रैगन उस मेरा के बच्चे ने सीआईडी को सब कुछ बता दिया और एसीपी इस मिशन पर काम कर रहे। अच्छा तो ये फाइल अब किसी काम की नहीं रही, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे को उसके बच्चे की लाश का तोहफा दे दो। ओके। एसीपी सर, मैंने अपने जराये से मालूम कर लिया है कि ड्रैगन इस वक्त कहाँ है। हम जल्दी रेड करें तो बच्चे को भी बचा सकते हैं और फाइल को भी। वेल डन उमर, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। लेकिन ये तो बताओ, तुमने ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हल कर लिया? सर आपको तो पता है मैंने पहले इंटेलिजेंस में भी काम किया, ये सब कुछ तो मेरे लिए छोटी बात है। वेल डन उमर, वेल डन, अब जल्दी चलो। ड्रैगन काम हो गया, लाश मेरा को बचा दी गई है। बहुत खूब टाइगर, बहुत खूब। अब इस फाइल का क्या करना है? ये अब भी जरूरत आ सकती है, ये मुझे दे दो। चलो सर हो जा रहे। ये अच्छा मौका है लेकिन होशियारी से, तुम वो गन वाले को कवर करो, मैं इसे देखता हूँ, जल्दी जाओ। ड्रैगन जल्दी बताओ मेरा का बच्चा किधर है? अच्छा एसीपी तुम? हाँ हाँ हाँ, वो तो मर गया, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ टाइगर। ओ कलमा पाल लो। उमर खत्म कर दो। वेल डन उमर, बंदूक उठा लो। चलो ड्रैगन तुम्हारा खेल खत्म हुआ। एसीपी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चलो आगे, कुछ नहीं बिगाड़। अरे जालिमों ने मार दिया मेरे बेटे को, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सैफ, सैफ तुम आगे सैफ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे की जान नहीं बचा सका, लेकिन इसके कातिल मेरी गिरफ्त में है। तुम कहना क्या चाहते हो सैफ? जरा एक मिनट मेरे साथ तो आओ। अरे तुमने इस कमीने को कैसे पकड़ लिया? छोड़ो इन बातों को, लेकिन मैं अभी इसे तुम्हारे सामने इसे जिंदा दफन करूंगा। सैफ लेकिन उस फाइल का क्या हुआ? फाइल? हाँ वो प्रोजेक्ट वाली फाइल किधर है? ड्रैगन वो फाइल किधर है? पहले मुझसे वादा करो, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं तुम्हें फाइल अभी देता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। फाइल दिखाओ किधर है, ये। चेक करो मेरा, यही फाइल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा तो गया लेकिन ये फाइल, फाइल मुझे मिल गई है। उमर ये गन मुझे दे दो। एसीपी तुमने तो वादा किया था तुम मुझे नहीं मारोगे। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरा साहब ये क्या सैफ? फाइल मुझे दे दो। अपने बेटे के कातिल को अपने हाथों से खत्म करो। नहीं सैफ ये कानून के खिलाफ है सैफ। वैसे भी इसके हाथ बहुत लंबे हैं, ये जेल से भाग जाएगा। हिम्मत करो, हिम्मत करो। ड्रैगन, ओ ड्रैगन। उमर इसकी लाश नदी में फेंकाओ। ओके सर।
नेहरा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी बेटी की तदफीन का इंतजाम करें।